नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत की विधि पर, सारे विधि विधान पर। और ऐसी मान्यता है, हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा मत है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रदेव जो है वह अमृत वर्षा करते हैं। तो इस अमृत वर्षा का लाभ लेने के लिए खीर का एक बहुत विशेष प्रयोग है, आज वो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है और इसी तिथि को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 72,000 गोपियों के साथ इसी पूर्णिमा पर महारास रचाया था। वर्ष की सभी पूर्णिमा में अश्विन मास की पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये पूर्णिमा शरद ऋतु में आने के कारण ही इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद ऋतु की इस पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र का अश्विनी नक्षत्र में संयोग बनता है। अश्विनी जो नक्षत्र क्रम में सबसे प्रथम नक्षत्र है, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत करने की कथा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्त्रोत इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और पाठ करने के बाद जैसे भी आपसे हो सके, भले छोटा सा ही सही, लेकिन हवन अवश्य करना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा आपके घर को धन धान्य मान प्रतिष्ठा सुख समृद्धि से भर देती हैं। प्राचीन शास्त्रीय कथा के अनुसार च्यवन ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों वर्ष बाद भी हमारे पास अनमोल धरोहर के रूप में संचित है, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। अश्विनी कुमार आरोग्य के स्वामी हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत होता है। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि इस विशेष पूर्णिमा को ब्रह्मांड से अमृत की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए भी शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। वह दिन जब इंतजार होता है रात्रि के उस पहर का, जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव अमृत की वर्षा धरती पर करते हैं। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। प्राचीन काल से शरद पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण तिथि और पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। शरद पूर्णिमा से हेमंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के समय खुले आकाश के नीचे, खुले गगन के नीचे दूध और चावल की खीर बना करके, या फिर दूध और साबुदाने की खीर बना करके, या फिर सिर्फ दूध रख करके उसको रखा जाता है, जिससे अमृत का जो प्रभाव है वो उस दूध में, उस पदार्थ में आ सके। और रात्रि 12 बजे के बाद उसे प्रसाद स्वरूप सेवन किया जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसकी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। चंद्र रोशनी में रख करके दूध से बनी हुई खीर को चांदनी में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को यदि खिला दिया जाए और उसके साथ उनको दवाइयां औषधियां दी जाएं, तो उनके रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। वह हर प्रकार के रोगों से मुक्त होकर के स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और खीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये देवताओं की भी बहुत प्रिय भोग है, उनका भी सबसे प्रिय भोग जो है वो खीर है। इस कारण से भी खीर को जो है चंद्रदेव की रोशनी में रखते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी लोखी यानी लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। चाहे पूर्णिमा किसी भी समय में प्रारंभ हो, पूजा दोपहर 12 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त में होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतकी, कौड़ी, आरी यानी छोटा सूपड़ा, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहाँ तक बात पूजन विधि की होती है, तो इसमें रंगोली और उल्लू की ध्वनि का विशेष महात्म्य होता है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा के अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महात्म्य बताया गया है।
मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा की तिथि में ही हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा का नाम भी दिया गया है। इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातःकाल स्नान करके सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से चली आ रही यह प्रथा आज भी निर्वाह की जाती है। स्वास्थ्य और अमृत की चाह में एक बार फिर खीर आदि को शरद चंद्र की चांदनी में रखा जाएगा और प्रसाद स्वरूप इसका सेवन किया जाएगा। साथ ही जिस समय रात में भगवान चंद्रदेव की पूजा करते हैं, खीर रखने के साथ साथ सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं वह ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सारी जगहों में मैंने देखा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश खासतौर पर काशी की जो मान्यता है, इसमें मलाई रखते हैं, चांदी के पात्र में रखा जाता है, चांदी की थाली में चंद्रदेव को भोग अर्पित करते हैं, मलाई रखते हैं, रबड़ी इत्यादि रखते हैं और जो सफ़ेद चीज़ें उपलब्ध हो जाए, सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा मिलता है, उसे छील करके भोग लगाया जाता है और वो प्रसाद के स्वरूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातःकाल में व्रत करके अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री इंद्र और माँ महालक्ष्मी जी की पूजा करके देसी घी के दीपक जला करके उनकी आपको गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करने वाले को धन संपत्ति प्राप्त होती है और कहते हैं कि उसकी संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। उपवास करने वाली स्त्रियां इस दिन लकड़ी की चौकी पर सतिया बना करके, यानी स्वास्तिक बना करके, पानी का एक लोटा उसके ऊपर रखती हैं। एक गिलास में गेहूं भर करके उसके ऊपर रुपया रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कथा सुनी जाती है, जो इस व्रत की कहानी है। गिलास और रुपया कथा कहने वाली स्त्रियों को पैर छू करके दिए जाते हैं। रात को चंद्रमा का दर्शन कर लेने के बाद अर्घ देना चाहिए चंद्रदेव को और इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का विशेष विधान है। विशेष रूप से इस दिन तरबूज के 2 टुकड़े करके रखे जाते हैं। साथ ही कोई भी एक ऋतु का फल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, वह रख करके चंद्रदेव को खीर रखी जाती है। चंद्रदेव की चांदनी में खीर बना करके साफ सफाई के साथ वह रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की जो चांदनी होती है, उस रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। तो आशा करता हूँ इस बार आप शरद पूर्णिमा पे इस विधान से निश्चित तौर पर अमृत वर्षा का लाभ लेंगे, जिससे आप और आपका परिवार निरोगी और स्वस्थ रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर लगातार बरसती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ कि जो पर्व है वह आपके लिए शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।